यूं तो किसी के लिए अपने जीवन को समाप्त करने के कई तरीके हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति एक साधना के जरिए अपने जीवन का त्याग कर दे तो सबसे कठिन तरीका होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैन धर्म में प्रचलित संलेखना प्रथा के बारे में। अभी हाल ही में जैन आचार्य विद्यासागर महाराज ने चंद्रगिरि तीर्थ में संलेखना विधि का अनुसरण करते हुए अपनी देह त्याग दी। कर्नाटक के बेलगांव जिले के चिक्कौड़ी गांव में जन्मे आचार्य विद्यासागर महाराज जैन समाज के सबसे प्रसिद्ध संत थे और वह आचार्य ज्ञान सागर जी के शिष्य थे। समाधि लेते समय उन्होंने अपना आचार्य पद मुनि श्री समय सागर जी महाराज को सौंप दिया था। उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ब्रह्मांड के देवता के रूप में सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि जैन समाज में प्रचलित संलेखना हजारों साल पुरानी प्रथा है। इसमें देह त्यागने के लिए स्वेच्छा से अन्न जल का त्याग किया जाता है। संलेखना शब्द सत और लेखन से मिलकर बना है, जिसका मतलब है अच्छाई का लेखा जोखा। माना जाता है कि अकाल, बुढ़ापे और बीमारी की स्थिति में जब कोई समाधान नजर न आए तो धर्म का पालन करते हुए संलेखना विधि से व्यक्ति को स्वेच्छा से प्राणों का त्याग कर देना चाहिए। संलेखना विधि का मूल अर्थ मृत्यु से पहले मृत्यु की अनिवार्यता को सुख के साथ बिना किसी शोक, कष्ट या दुख के सहज भाव से मृत्यु को स्वीकार करना है। यही कारण है कि इस विधि में व्यक्ति पूरी तरह से अन्न और जल छोड़ देता है और देह त्याग कर देता है। संलेखना जैन साधना का प्राण है। जैन शास्त्रों में इस तरह की मृत्यु को समाधि मरण, पंडित मरण अथवा संथारा भी कहा जाता है। इसे जीवन की अंतिम साधना भी माना गया है। जैन धर्म के अनुसार संलेखना के जरिए आत्म शुद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए जैन समाज इसे एक महोत्सव मानता है। इस प्रथा का इतिहास में सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हमें मौर्य वंश में देखने में आता है, जब सम्राट चंद्रगुप्त ने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से अपनी देह त्याग दी थी। भारत में भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे ने भी संलेखना ग्रहण किया था। हालांकि इस प्रथा को अमानवीय मानते हुए 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने संलेखना प्रथा को आत्महत्या बताकर इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में जैन समुदाय की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए इस पर लगी रोक हटा दी थी।